नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मनुष्य जीवन विवेकशील चेतनशील तथा प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ जीवन, ऐसी जीवन को प्राप्त करके भी लोग जानकर या ना जानकर बुरे अकुशल पाप कर्म करके आसानी से दुर्गति में पहुंच जाता है। अब जरा सोचिए, जिन प्राणियों को अच्छे धम्म उपदेश सुनने को नहीं मिलते, सुने भी तो समझने को नहीं आते और आचरण नहीं कर पाते, तो वैसे प्राणी दुर्गति में अच्छे धम्म और कर्म कैसे कर पाएगा? अच्छे धम्म और कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो वो प्राणी दुर्गति से कैसे मुक्त हो सकेगा, कैसे सुगति को प्राप्त कर सकेगा? मनुष्य जीवन और उससे ऊपर के जीवन को सुगति माना जाता है। मनुष्य जीवन से नीचे जीव जंतु पशु पंछी और नीचे के जीवन को दुर्गति कहते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य जीवन से नीचे वाले जितने भी पशु पंछी और दुर्गति वाले प्राणियां हैं वो सब दल दल में फंसे हुए पत्थर के समान होता है। दलदल में फंसा हुआ पत्थर अपने आप ऊपर नहीं आ सकते, वैसे ही दुर्गति में रहे प्राणियां धम्म को समझने और पालन करने में असक्षम होने के वजह से वहां से मुक्त भी नहीं हो सकता। दलदल में फंसे पत्थर समय के साथ निरंतर नीचे ही डूबता जाएगा और भी नीचे नीचे के तरफ ही जाएगा, अपने आप ऊपर कभी नहीं आएगा। वैसे ही मनुष्य जीवन से पतन हुए प्राणियां भी निरंतर और भी पतन होते हैं, नीचे नीचे के तरफ ही जाते हैं, भयंकर से भयंकर दुर्गति को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना है कि एक बार इस मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो अनंत काल तक के लिए दुर्गति निश्चित है, जिससे चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकता। तो इस जीवन को पतन होने ही ना दे, ऐसे प्रयास और निश्चित काम कर्तव्य हमें करना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी भी है। दुर्लभ इस मनुष्य जीवन को बेकार गवाना नहीं है, सही रूप में सदुपयोग करना है। यह तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश है। दुर्लभ जीवन के लिए सदाचारी और ध्यानी जीवन उत्तम कहते हुए तथागत भगवान बुद्ध इस तरह उपदेश दिया करते थे। यो च वस्स सतं जीवे दुःशीलो असमाहितो
एकाहं जीवितं सैयो शीलवन्तस्सचायिनो। दुराचारी, शीलभ्रष्ट और चित्त को एकाग्र ना रख सकने वाला व्यक्ति 100 साल तक जिए, इसकी अपेक्षा शीलवान ध्यानी का 1 दिन जीना ही श्रेष्ठ है। दुर्लभ जीवन के लिए उद्योगी और सही रूप में परिश्रमी जीवन उत्तम कहते हुए तथागत भगवान बुद्ध इस तरह उपदेश दिया करते थे। यो च वास सतं जीवे कुसितो ही न वीर्यो एकाहं जीवितं सैयो वीर्यमारभतो दल्लं। आलसी और अनुद्योगी व्यक्ति के 100 वर्ष जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का 1 दिन का जीवन ही श्रेष्ठ है। उत्तम धर्म को जानते हुए रहना उत्तम दुर्लभ जीवन कहते हुए तथागत भगवान बुद्ध इस तरह उपदेश दिया करते थे। यो च वास सतं जीवे आपस्सं धम्ममोत्तमं एकाहं जीवितं सैयो पास्सतो धम्ममोत्तमं। उत्तम धम्म को न देखकर 100 वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम धम्म को देखते हुए 1 दिन जीना भी श्रेष्ठ है। दुर्लभ इस जीवन में जैसे भी हो कुशल पुण्य कार्य करते रहना है, अकुशल पाप कार्य से दूर ही रहना है। तथागत बुद्ध पाप से दूर रहने के लिए, जीवन अच्छा बनाने के लिए सार संक्षेप में धम्म को इस तरह उपदेश देते थे। सब पाप सकरणं कुशलसौपसंपदा सचित परियोतपनं येतं बुद्धानशासनं। सभी तरह के पापों का ना करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अपनी अपनी आचरण को सुंदर और अच्छे बनाकर इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। दुख मुक्ति के मार्ग रूपी मध्यम मार्ग में लगकर सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। बोले तो इसी में दुर्लभ मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग है, सही रूप में सार्थकता भी है। सारू, सारू।